Hare Krishna, 9th canto, 1st chapter, 17th verse. Bhagavan kim idam jatham karma vo brahma vadinam viparyayam aho kashtam maivam syad brahma vikriya. My Lord, all of you are expert in chanting the Vedic mantras. How then has a reserve been opposed to the one desire? This is a matter for lamentation. There should not have been such a reversal of the reserves of the Vedic mantras. So, kaun bol rahe hain ye? Manu. Manu ne brahmano ko bulaya. Aise shaktishali brahman hote the pehle. कि आपका यज्ञ करके जो चाहिए दिला दें और उनकी बीवी बीच में आ गई और बोला इसको तो चाहिए था बेटा इसके लिए यज्ञ करा रहा था बीवी ने जाके वो क्या प्रीस्ट को बोल दिया बेटी 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 तो प्रीस्ट थोड़ा कंफ्यूज हो गया और बेटी पैदा हो गया अब मनु बहुत दुखी है अरे ये क्या हो गया एंड मनु बोल रहा है ये कैसा हो सकता है कैसे मंत्र जप करके फेल कैसे हो गया हमारा प्रोसेस उसको मालूम नहीं सब गड़बड़ उसका बीवी ने कराया सो एनीवे उसके बाद वशिष्ठ मुनि बहुत बड़े शक्तिशाली प्रीस्ट हैं वो उसको वो बोलते हैं कुछ प्रीस्ट की गलती हुई है ऐसा नहीं है मंत्र कभी फेल नहीं होता लेकिन हम कुछ करते हैं दोनों ने ध्यान लगा के विष्णु को उन पर ध्यान किया विष्णु को प्रार्थना करी और विष्णु सर्वशक्तिमान है उसको लड़की को लड़का बना दिया आजकल भी ऐसा करते हैं आप ऑपरेशन से ये करके लड़की को लड़का लड़के को लड़की बना देते हैं है ना तो प्रभुपाद जी बहुत कुछ इसमें निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि पहला चीज़ ये कि ये शरीर तो खाली एक ड्रेस है आप लड़के से लड़की बन सकते हो लड़की से लड़का लेकिन आदमी वही रहेगा है ना हम शरीर बदल गया लेकिन हम नहीं बदलते हम सेम व्यक्ति हैं अभी इसका भी और आगे स्टोरी होता है ये जो लड़का है ये एक बारी एक जंगल चला जाता है जहाँ पे शिवजी पार्वती के साथ हैं और कभी वो पार्वती को कभी ऐसा हो सकता है कि उनका ड्रेस पूरी तरह से हो ना हो उसके दिन उन्होंने एक आशीर्वाद दिया हुआ है कि कोई लड़का उधर घुसेगा तो स्त्री बन जाएगा और ये लड़का वहाँ घुस जाता है अपने सारे सैनिकों के साथ उसको मालूम नहीं
और यही नहीं, लड़की बनते सारे सैनिक भी लड़की बन जाते हैं और घोड़ा भी घोड़ी बन जाता है, ऐसा उधर शिव जी की शक्ति है। फिर उसके बाद बड़े मुश्किल हो जाती है, अब ये राजा है, अब एक एक हाँ, उसके बाद वशिष्ठ मुनि के पास वापस आया। हाँ, जब लड़की था तो एक चंद्रमा के बेटे को मिलके उसमें एक बच्चा भी पैदा किया, क्योंकि लड़की बन गया था, ठीक है, उसका नाम तो परुवरा, नेक्स्ट वो राजा बनेगा। तो ठीक है, तो फिर अपने राज्य उसको वशिष्ठ मुनि याद था, जो बहुत शक्तिशाली हैं, जो उसको पहले ऐसा मदद करें, तो वापस आया वशिष्ठ मुनि को, देखो मैं तो लड़की बन गया। तो बोला यार ये तो राजा कैसे करेगा। तो फिर उन्होंने वशिष्ठ मुनि ने शिव जी को प्रार्थना करा, तो शिव जी ने बोला देखो मैंने तो ये पार्वती को एक वर दिया हुआ है, ये तो फेल नहीं हो सकता, एक काम करते हैं, एक महीना लड़का एक महीना लड़की। तो ठीक है, लेकिन लोग तो बड़े तंग आ गए, ये कैसा राजा, एक और क्योंकि लड़की के रूप में वो राज्य नहीं करता था, एक महीना राज्य करता था एक महीना छुप जाता था। तो बोला ये क्या, लोग बड़े दुखी थे ये कैसा राजा मिला हमको, लेकिन काम चल रहा था, राजा अच्छा था, काम चल रहा था। और जैसे उसका बेटा बड़ा हुआ उसने उसको राज्य दे के वो अपनी वनप्रस्था, 50 साल पूरे हो गए तो वो वनप्रस्था में निकल गया। एनीवे ये सारांश में इस पूरे चैप्टर का स्टोरी है। अभी प्रभुपाद जी इस पे ध्यान लगा रहे हैं कि मंत्र बहुत शक्तिशाली होता है, करेक्ट। आपके देखिए युद्ध में भी मंत्र से ही सारे अस्त्र पैदा हुए थे, है ना, वहाँ पे आचमन कप लेके जाते थे, आजकल कौन जाता है आचमन कप लेके युद्ध में, क्योंकि आचमन कप से करेक्ट शुद्धता करके लोग मंत्र जपते थे, और मंत्र जप में इतनी शक्ति होती थी तरह तरह के अस्त्र आ जाते थे, है ना। युद्ध में आचमन कप लेके कौन जाता है, क्षत्रिय लोग जाते थे, अपने रथ में रखते थे, आचमन किया फिर मंत्र का ध्यान से जाप करते थे और तरह तरह के अस्त्र आ जाते थे, बहुत ही सूक्ष्म अस्त्र जिसके बारे में अभी हमको कोई ज्ञान नहीं है। हमको ये लोहार के अस्त्र मालूम है, भाड़ 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 करके ये अस्त्र बनते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए कितना दुनिया में मुश्किल है। अभी बोलते हैं ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा और उसके पीछे फिर लड़ाई होगा, कितना मतलब बॉम्ब बनाना हो, ये सामान सामग्री चाहिए, वो सामग्री चाहिए, वो आपको रोकेगा, ये आपको पकड़ेगा, लेकिन जो ये आपके दिव्य अस्त्र होते थे ये खाली मंत्र से आ जाते थे। तो मंत्र बहुत शक्तिशाली है, ठीक है। और ये मंत्र के जाप में कभी कभी थोड़ा गलती हो जाए तो कुछ और भी बन सकता था। ये जब आपका त्वष्टा जब विश्वरूप के तीन सिर थे, विश्वरूप ही था जो एक शेष था संत विश्वरूप, वो देवताओं के लिए कुछ यज्ञ कर रहा था, लेकिन वो कभी कभी यज्ञ के बाद का जो फल है प्रसाद है देवता को देता था, थोड़ा दानव को भी देता था, वो उसका माँ शायद दानवों की साइड से थी, उनको उसको तरह भी थोड़ा स्नेह था। तो इंद्र ने देखा अरे मेरे दुश्मनों को भी थोड़ा ये शक्तिशाली बना रहा है, उनको भी प्रसाद देता है, उनको भी आशीर्वाद दे रहा है, तो उसका सिर काट दिया, तीनों सिर काट दिया। तो उसके पिताजी को इतना गुस्सा आया, उन्होंने यज्ञ किया इंद्र को मारने के लिए, लेकिन मंत्र जाप में गलती हो गई, और गलती हो गई तो इतना बड़ा दानव बन गया कि मतलब इंद्र क्या कोई भी नहीं संभाल सकता था, उसका नाम तो वृत्तासुरा। तो ये तरह तरह से समझाया गया है कि मंत्र जाप बहुत शक्तिशाली है, इसके बारे में डिस्कशन है बहुत जगह पे। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये सब मंत्र जाप करने के लोग रहे कहाँ, भी कोई है भाई, पहले तो जो ब्राह्मण लोग होते थे आपसे माचिस नहीं मांगते थे, मंत्र जाप से अग्नि पैदा करते थे, नहीं लिखा है शास्त्र में मंत्र जाप, असली ब्राह्मण है उसको कभी माचिस नहीं देने की, उसको बोलो यज्ञ करना है, हाँ रेडी है करो मंत्र जाप, और मंत्र जाप करके फुक अग्नि को पहले वो पुकारता था, और उसके बाद उसके एक एक चीज में बहुत शक्ति थी। वो जब किसी जानवर की बलि देता था उस सब के सामने जानवर एक नया शरीर लेके आता था, और जब पृथु महाराज यज्ञ करते थे तो भगवान खुद आते थे, देवता लोग आ जाते थे, युधिष्ठिर महाराज भी जो यज्ञ करते थे देवता लोग आते थे, साधारण व्यक्ति देवता लोगों का दर्शन कर सकता था, ऐसा यज्ञ होता था, ऐसा कि छोटा मोटा है ना, सारे देवता लोग प्रकट हो जाते थे। तो कभी कभी लोग प्रभुपाद जी मजाक करते हैं, तुम लोग बोलते हो देवता लोग दिखते नहीं है, तुम्हारा यज्ञ की तरह पहले यज्ञ तो करो, अब किसी को ऐसे यज्ञ करना कलयुग में नहीं है, उसकी ना तो सामग्री आप इकट्ठी कर सकते हो ना ही आपके पास ऐसे शुद्ध
चैंटर्स हैं जिनके पास शक्ति है मंत्र से ये करने का, तो ये अभी कल फेल हो गया। प्रभुपाद जी हंसते थे, कलयुग में ऑल द मंत्रास हैव गॉन टू हेल, कुछ फायदा नहीं है, ठीक है, देर इज नो यूटिलिटी इन कलयुग इन चैंटिंग दिस वैदिक मंत्रास, बट एक्सट्रीमली पावरफुल मंत्र विच इज़ फॉर कलयुग इज हरे कृष्ण महामंत्र है, इसकी शक्ति को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। देर वॉज वन पर्सनैलिटी इन वो, उन्होंने यूट्यूब में एक वीडियो डाला था कैसे लड़की को पटाना है एक मंत्र, और उसमें 1 मिलियन व्यूज सब लोग, और इतना मुश्किल मंत्र था वो कुछ धूम डाम ढूम कुछ करके, तो उसमें लोग लिख रहे थे मंत्र हमसे जाप तो नहीं होता लेकिन हम इसको सुन सकते हैं क्या, हो जाएगा काम, मतलब ऐसी चीज़ों में लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है ये मंत्र तंत्र में है, और उसको जप करते हैं लोग उसका शक्ति सोचते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि हरे कृष्ण मंत्र एक महामंत्र है, बहुत सिंपल है, लेकिन मैं नहीं बोल रहा, पद्म पुराण में लिखा है कि सारे मंत्र की शक्ति ये पहले 8 शब्द में ऑलरेडी है, सारे मंत्र की शक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये 8 शब्द में ही सारे मंत्र की शक्ति है, पद्म पुराण में लिखा, इतना शक्तिशाली मंत्र है, लेकिन हम सोचते हैं क्या है हरे कृष्ण ऐसे जप करते हैं हम लोग, तो उसका फायदा नहीं मिलता, हमको ध्यान से जप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, सारे मंत्र की शक्ति उसके अंदर रखी हुई है, ठीक है, और लेकिन उसका फायदा क्या मिलेगा, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का शिष्टाष्टक का प्रभुपाद जी कोट करते हैं, क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम भवमादावाग्निर्वापनम शैया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावद जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्नापनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। असली तो हमको परम विजय चाहिए ना, आप देख लीजिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इसमें आस्था करना आसान नहीं है, सुमेध सहा, जो लोग बुद्धू लोग हैं वो इस पे कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे, उनको हजार बारी बोल दो भाई हरे कृष्ण मंत्र जप करो अच्छा होगा, नहीं करेंगे, लेकिन इसमें बहुत बुद्धि, थोड़ा बुद्धि चाहिए, हाँ थोड़ा बुद्धि चाहिए, हाँ तो इसमें क्या क्या, चेतो दर्पण मार्जनम, जो भगवान का नाम जाप करना शुरू करता है क्या होता है, चेतो दर्पण मार्जनम, उसका दिल पवित्र हो जाता है, भव महादावाग निर्वापनम, उसको सारी चिंता चले जाती है, खुश हो जाता है, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम, यही सब ज्ञान का असली स्वरूप है, और उसको शांति को किससे कंपेयर किया है, मून शाइन से, जैसे शाम को गर्मी में जब मून शाइन होती है बहुत कूलिंग लगती है, सनशाइन तो इतनी हीट होती है लेकिन मून शाइन बहुत कूलिंग होती है, और मून शाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं पढ़ रहा था जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो मून शाइन को यूज़ किया था उन्होंने जर्मनी घुसने के लिए रात को, क्योंकि मून शाइन में भी दिखता है, दे यूज़ मून शाइन और पूरा एग्जैक्ट टाइमिंग करके दे एंटर, फुल मून का उन्होंने प्लान किया था तब करेंगे, ताकि मून शाइन में, क्योंकि अंधेरे में दिखेगा कैसे नहीं तो, हाँ सो एनी वे, सो मून शाइन इज़ वेरी प्लीजिंग सूदिंग एंड इट्स ऑल्सो इफेक्टिव, आजकल तो मून शाइन देखते क्या हम लोग घर के अंदर बंद रहते हैं, बट चंद्रिका, सो कूलिंग मून शाइन, इतना शांति लगता है, इतनी खुशी लगता है, इतना कृपा लगता है, आनंद बुद्धिवर्धनम, और जो आध्यात्मिक आनंद बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है, प्रतिपदम पूर्ण अमृत साधनम, हर स्टेप में नेक्टर लगता है, परम विजय द श्री कृष्ण संकीर्तन, चित्र आप बोल रहे हैं ये जो कृष्ण का नाम संकीर्तन है मैं इसको पूजनीय स्वीकार करता हूँ, ठीक है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दय विदुष महाजनि अनुराग। तो पहले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु एंड करते हैं कि परम विजयते, ऑल सुप्रीम विक्ट्री, नथिंग कैन स्टॉप द संकीर्तन यज्ञ, ठीक है, द नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति कृष्णा सेज ऑल द पोटेंसी ऑफ कृष्णा इज देयर इन दिस होली नेम, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला, ये भगवान के नाम में पूर्ण शक्ति है लेकिन इसको जाप करने के लिए कोई टाइम नहीं है, कोई नियम नहीं है, एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दय विदुषम इहाजनि अनुराग, इसे आई एम सो लॉर्ड यू आर सो मर्सीफुल बट आई एम सो अनफॉर्चुनेट आई हैव नो टेस्ट फॉर चैंटिंग द होली नेम, दुर्दय विदुषम इहाजनि अनुराग, रागा मीन्स अटैचमेंट, आई हैव नो अटैचमेंट टू चैंटिंग योर होली नेम, तव कृपा यू आर सो मर्सीफुल but I have no taste for chanting this holy name. So these are very nicely, therefore, Chaitanya Mahaprabhu explains the Shishtashtaka and we can appreciate.
how the chanting of the holy name is very effective. And it will prove to be effective if we regularly chant the holy name. It will be effective if we follow the rules and regulations. And then the holy name will do its work. And Prabhupada, therefore, you see all around the world, made first the chanting popularize. He did not speak anything in the beginning. He requested everybody to chant the holy name of the Lord. So this process is given. Prabhupada again emphasizing in the every purport. Here he is directly emphasizing that, okay, ye sab mantra thoda mushkil hote hain, lekin Hare Krishna mantra thoda bahut aasan hai. Okay? In Kali Yuga, generally people are attracted to some gymnastics. Kisi ko bolo yoga karna hai, bahut interesting. Ye karna hai pranayam, very interesting. Usko bolo Hare Krishna mantra karna nahi karega. Hai na? Abhi yoga day is coming, no? Which day it is? Abhi aane wala hai. Haan, 21st. Today what is the date? 18? No? 3 more days. The worldwide they made popular. So ISKCON ke log kya karte hain? Yoga day mein thoda kitabe leke chale jate hain. So the yoga ka matlab maloom hai? So they give the books. You read what is yoga. So people generally do not know. They think Ashtang yoga is actually the yoga. That's not true. Yoga ka matlab hota hai how to link with God. Nobody knows that. Okay? And if you understand that, then the only yoga which is most effective is bhakti yoga. Other yogas cannot do the work. Only bhakti yoga will be able to properly link you to the Lord. Other yogas are not so strong link. They are weak links. Because in all other yogas, focus is on ourselves. Karma yoga, jnana yoga, ashtanga yoga, apna hi soch rahe. Only in bhakti yoga, the person thinks about the Lord. And because he thinks about the Lord thinks about you, there is proper link. Karma yoga, he is more focused on his own work, his own profession, his own attraction. But okay, something he offers to the Lord. That is karma yoga. In jnana yoga also, he is very enjoying his speculations. But okay, something he understands about God. Ashtanga yoga also is busy in all so much this physical gymnastics. Then tries to meditate on God. But there is no proper focus from the pleasure of the Lord. Therefore, there is Chaitanya Charitamrita ka shloka here. Bhukti mukti siddhi kami sakale ashanta krishna bhakta nishkama ateva shanta. Bhukti mukti siddhi kami. Kuch log ko bhukti chahiye, bhog chahiye. Kuch ko mukti chahiye, moksh chahiye. Kuch siddhi chahiye. Krishna bhakta nishkama. So, logon ko ye sab cheez chahiye. Prabhupada said, they are all lusty. They want something. Somebody wants indriya bhoga. Somebody wants moksha. Somebody wants some mystic powers. Mostly people do with all the intention. Krishna bhakta nishkama. Krishna bhakta ko kuch nahi chahiye. Therefore, he is shanta. He is very peaceful. He is very peacefully serves the Lord without any motive. The Lord is very pleased. So we can chant Hare Krishna, but if we chant purely like this without any motive, not that we are chanting Hare Krishna so we get bhukti or mukti or siddhi, not that we, Hare Krishna mantra we came to know is sum total of all the mantras, to bhai Hare Krishna mantra jap karke hum bhi kuch maang lete hain aisa. Don't do that. Then it will not be pleasing to the Lord. And that is not our objective. The other mantra chanting may give you some, you know, objects of sense gratification, but that will entangle you in this world. But the chanting of the Hare Krishna mantra will transport you back to the spiritual world. And that will be most beneficial. Prabhupada says, if that is done, all the problems will be over in one stroke. Na is devata ki puja kari, ek problem solve hua, usko kara, wo problem solve hua, hai na? Problem bhara hua hai. Lekin aap Vaikunth Dham chale gaye, aapke sari problem hamesha ke liye solve ho jayenge. Thoda bimar hue, doctor ke paas gaye, dawai liya, theek hai bhai, kuch din ke liye bimari theek ho gayi, correct? Lekin fir bimar padoge. Lekin agar aap kisi tarah ye buddhi ka kaam kar liye ki Vaikunth Dham chale gaye, hamesha ke liye aapki sari problem solve ho jayenge, correct? Hamesha ke liye, uske baad koi problem nahi aati. Eternally, your problem is solved. So we are very fortunate, by the grace of Srila Prabhupada, to get the Hare Krishna Mahamantra. Usko dhyan se jap karna chahiye, attentively sunna chahiye. It is a naam Prabhu, Bhagwan ka hi naam hai. Usme 10 aparad hote hain, unko unse bachna chahiye. Theek hai? Aur dhyan se naam smaran se Bhagwan ke humko sharan mil jayega. Srila Prabhupada ki, Srimad Bhagavatam ki. Hare Krishna.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ನಾವು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತೇವೆ, ಏನು ಮಾಡಲು ತೋಚದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಜುನ ಕೂಡ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದ. ಅವನ ಸ್ವಂತ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಗುರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವಂತಾಯಿತು. ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬೋಧನೆಯೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈ ದೇಹವಲ್ಲ, ನಾವು ಆತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಅಂಶ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚೇತನವು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಧೋಗತಿಗಿಳಿದ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಪ ತುಂಬಿದ ಜೀವನವೇ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದಾಯಕ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಸತ್ತ ನಂತರ ನರಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಚೇತನದ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಜಂಜಾಟಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಜನರು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ, ಜ್ಞಾನ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗವೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಾರ್ಗ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ ಮನುಷ್ಯನು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಕಮಲವನ್ನು ಸೇರಿ ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಹರಿನಾಮದ ಜಪ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಲರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಅಚಲರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವರನ್ನು ತಲುಪಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ 4 ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ದೇವರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತಹ 4 ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಮಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಚಾತುರ್ವರ್ಣ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತೆಂದು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳು ಅವರವರ ಗುಣ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಗನುಗುಣವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಹುಟ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯದೇವ ವಿವಸ್ವಾನನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ. ನಂತರ ಅವನ ಪುತ್ರ ಮನು ಹಾಗೂ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಗೆ ಬೋಧಿಸಲಾಯಿತು. ಭಗವಂತನು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ತಲೆಕೆಳಗಾದ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಜಗತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ. ಈ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವು ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದ ಯಾರಾದರೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾದ. ಇದರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ನಮಗೆಲ್ಲ ದೊರಕುವಂತಾಯಿತು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಕನ್ನಡವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಂಗಳೂರಿನ ನಂತೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.